नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स के सामने आ रही है वो है कि OBC सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, क्योंकि जो एक बार देख लीजिए, ये देखिए जो नवोदय विद्यालय समिति ने आपको जो भेजा है वो वाला ये है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट आपको साइन नहीं करके दे रहे हैं, सिग्नेचर नहीं करके दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDO, SDM या जो तहसीलदार रैंक के हैं वो अधिकारी आपको डायरेक्ट साइन नहीं करके दे रहे हैं। तो सेम प्रॉब्लम ऐसी मेरे साथ भी आई थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उस टाइम मैं सैनिक स्कूल में था और मेरा कार्ड दिखाया था कि सर मैं फ्रॉड नहीं हूँ, प्लीज़ सर मेरा साइन कर दीजिए, मेरी पोस्टिंग होने वाली है। तब जाके सर ने साइन किया था, बट ऐसा साइन हो नहीं रहा है। मतलब डायरेक्ट अगर आपकी जानकारी है तब तो साइन हो जाएगा। तो देखिए एक और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ, जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं वो ये वाला सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं सेंटर का। देखिए इसके अंदर लिखा होगा, ये देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई ऑफिसर बैकवर्ड ऑफ क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट इंडिया के लिए है ये और सेंटर का ये है। उसके बाद में देखिए जो नीचे देखो, डिजिटल कास्ट OBC फॉर सेंट्रल, देखिए बार बार देखिए जो लाइन देखिए, RG 2017 रिवेन्यू डिपार्टमेंट डिजिटल कास्ट OBC फॉर सेंट्रल। तो ये सेंट्रल का ये सर्टिफिकेट है। अब आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वाला सर्टिफिकेट और ये वाला सर्टिफिकेट दोनों सेम है। तो देखिए एक मैं जो बात बताना चाहूँगा वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। देखिए इसके अंदर जो 58 जाट वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो सारी की सारी मतलब आप इसके अंदर लिख सकते हो। जो व्हाइट वाला है जो समिति ने भेजा है वो इसके अंदर आपको लिख के फिलअप करके फिर जाना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में वो आपका साइन कर देंगे, ठीक है। अब जो डिटेल इसके अंदर मांगी गई है, समिति वाले जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो डिटेल मांगी गई है सेम टू सेम डिटेल इसके अंदर है। जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिजिटल वाला है सेम टू सेम डिटेल इसके अंदर भी है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आपको ऑनलाइन इसको ई मित्र की दुकान से या कंप्यूटर की जो दुकान है वहाँ से जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपका जो ये डिजिटल वाला है ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। देखिए इसके अंदर श्वेता कोचर जी हैं जो SDM या जो भी हैं, तो उनका साइन इसके अंदर है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर, वो आप और देख लीजिए। तो साथियों इसके अंदर जो डिटेल्स हैं सेम टू सेम डिटेल्स हैं वो समिति वाले फॉर्मेट के अंदर हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ये वाला अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप टेंशन ना करिए, आप डायरेक्ट स्कूल में एक बार फ़ोन करिए, जो आपके OS मैडम या OS सर हैं या UDC सर मैडम जो भी हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए और कहिए कि सर हमारे जो SDM है वो हमें डायरेक्ट साइन नहीं करके दे रहे हैं, तो क्या ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये वाला सर्टिफिकेट आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी था और वो भी था, तो मैंने सर से पूछा था सर देखिए इस दोनों में सेम लिखा हुआ है तो क्या आप ये वाला भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हो क्या। तो सर ने मेरे को ये कहा था कि हाँ हम ये वाला सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक बार आप ना ज्वाइनिंग करने से पहले अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप स्कूल में कॉल कर लीजिए कि सर हम डिजिटल वाला लेके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 99% चांस है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, डिजिटल वाला है वो आपका एक्यूरेट आपका सही माना जाएगा, ठीक है साथियों। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी है। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बार फिर से बधाई देता हूँ आप सभी को और यही कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से अपना करियर बनाइए, बच्चों का करियर बनाइए। थैंक यू साथियों, और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, आपका अपना YouTube चैनल है तो आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है साथियों, धन्यवाद।